आपका आवंटन को रद्द किया जाता है, यह तुगलकी फरमान लगता है। यह वन व्हीलर रोड मात्र एक पार्टी दफ्तर नहीं है, यह स्वर्गीय राम विलास पासवान जी का इसमें स्मृति है। कहीं ना कहीं यह लगता है कि यह राजनीति से प्रेरित है। किसी न किसी के प्रभाव में आकर भवन निर्माण विभाग ऐसा तुगलकी आदेश जारी कर रही है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने एक अक्षमता भरा एक लेटर जो है जारी किया है मीडिया में कि लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से जो वन व्हीलर रोड आवंटन था उसको रद्द किया जाता है, जबकि हमारी पार्टी ने बहुत बार 20 में 21 में 22 में लगातार विभाग को ये सूचित करते रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह का जो विषय है वह चुनाव आयोग के पास लंबित है, जब तक वह क्लियर नहीं हो जाता है ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से आवंटित कर दिया जाए। ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वह पार्टी के पास सुरक्षित हैं, लेकिन विभाग ने एक लेटर जारी करके कोई रिमाइंडर न देकर एक लेटर जारी कर देना कि आपका आवंटन को रद्द किया जाता है, यह तुगलकी फरमान लगता है। यह वन व्हीलर रोड मात्र एक पार्टी दफ्तर नहीं है, यह स्वर्गीय राम विलास पासवान जी का इसमें स्मृति है। वह यहाँ से बिहार के कई राजनीतिक फैसले ले चुके हैं और दलित सेना का पार्टी दफ्तर इसमें है, जो कि दलितों की आवाज़ पूरे देश भर के दलितों की आवाज़ लगातार उठाती रही है। तो कहीं ना कहीं यह लगता है कि यह राजनीति से प्रेरित है। किसी न किसी के प्रभाव में आकर भवन निर्माण विभाग ऐसा तुगलकी आदेश जारी कर रही है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ भवन निर्माण विभाग से कि अपने आदेश पे पुनः विचार करें और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से इस पार्टी दफ्तर को आवंटित करें, क्योंकि बिहार में ऐसे कई दफ्तर हैं जिनके पास ना सांसद हैं, ना विधायक हैं, ना MLC हैं, जबकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास एक वर्तमान में MLC भी है।